हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु के बारे में स्टडी करने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु राजस्थान की ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की जलवायु, प्रदेश, वर्षा का स्तर, गर्म और ठंडे स्थल और जिले, मानसून, लू, बबूलिया किसे कहते हैं, सूर्य की किरणें कहाँ पर तिरछी रहती है और कहाँ पर सीधी रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप में से अगर कोई नया है तो मैं बताना चाहूँगा, हमने इस चैनल पर राजस्थान वनपाल वन रक्षक की तैयारी शुरू करवा दी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आगे जो है आपकी ग्राम सेवक की वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसकी तैयारी भी आपके साथ साथ होती रहेगी। टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु। तो दोस्तों राजस्थान की जो जलवायु है, वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। किसके आधार पर? वर्षा के आधार पर। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। अब जो शुष्क जलवायु प्रदेश है ये क्षेत्र है, आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं, ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये एक नंबर है। इसके बाद नंबर दो पे आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये आपका आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। अब ये जो है पहला, इसमें जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर ये जिले आते हैं। जिलों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जिले कौन कौन से प्रदेशों में आते हैं। तो शुष्क में कौन से जिले आएंगे, अर्ध शुष्क में कौन से जिले आएंगे, ये मैं आगे आपको बता दूंगा डिटेल से। इसके बाद 3 नंबर पे आता है उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 3 नंबर पे रखा गया है उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में। इसके बाद है आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये वाला जो है पार्ट ये आपका आता है नंबर 4 पे आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और इसके बाद आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा भाग है राजस्थान का, इसको नंबर 5 पे रखा गया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और यहीं पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा है ये शुष्क जलवायु प्रदेश में होती है। अब चलो हम एक एक जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश पश्चिमी राजस्थान 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम में है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है उसके पश्चिमी भाग में जो राजस्थान का क्षेत्र है उसको शुष्क जलवायु प्रदेश में रखा गया है। और इस क्षेत्र के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग है वो रखा गया है। और यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो होती है दोस्तों 0 से 20 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा है ये शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर होती है। तापमान की बात करें तो 34 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियम गर्मियों में तापमान रहता है, और सर्दियों में तापमान की बात करें तो 12 डिग्री से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। इसके बाद नंबर दो पे आपका आ गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है वो इसके अंदर रखा गया है। तो वर्षा रेखा की जो बात है वो आप जरूर ध्यान में रखें, 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच की जो पट्टी है वो आती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। इसके अंदर जिलों की बात करें तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग शामिल किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों औसत वर्षा है वो होती है 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री, सॉरी 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर। तापमान की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान है ये रहता है 30 डिग्री से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक, और सर्दियों में जो तापमान है ये 10 डिग्री से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो सर्वाधिक तापमान जो है ये आपका रहेगा इसमें चूरू जिले का।
इसके बाद दोस्तों उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश आ जाता है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व का जो क्षेत्र है यानी अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है ये आपका आता है उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश में। जिलों की बात करें तो अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर, झुंझुनू का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें शामिल किया गया है। औसत वर्षा की बात करें तो 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। और तापमान की बात करें तो गर्मियों में तापमान 28 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और सर्दियों में तापमान 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग और मध्य दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। जिलों की बात करें तो भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तरी पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक तथा चित्तौड़गढ़ इसके अंदर शामिल है। और यहाँ की जो वर्षा है इसका औसत रहता है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। तापमान की बात करें तो गर्मियों में 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक और सर्दियों में 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक तापमान रहता है। इसके बाद आ जाता है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके क्षेत्र की हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र इसमें शामिल है। जिले की बात करें तो दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, माउंट आबू का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। औसत वर्षा की बात करें तो 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है जो कि सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है। तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ का 30 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में और सर्दियों में 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने मोबाइल के किसी भी एक एजुकेशनल ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक का ग्रुप हो चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट आपका मिलता रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ खास बातें, विशेष जानकारी, और यहीं से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों कर्क रेखा जो है ये राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। तो कुशलगढ़ से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है और इसीलिए हर साल 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य है वो सीधा चमकता है। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा जिले में 21 जून को रहती है। और तिरछी किरणों की बात करें तो गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें तिरछी रहती है। अगला है राज्य का सबसे गर्म जिला चूरू है। गर्म जिले की बात हो तो चूरू है और गर्म स्थल की बात हो कि सबसे गर्म स्थल कौन सा है तो वो होगा आपका फलोदी। जोधपुर जिले की एक तहसील है फलोदी, तो फलोदी है ये सबसे गर्म स्थान है, स्थल है, और चूरू सबसे गर्म जिला है। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों का ध्यान रखना है। आगे है इसी प्रकार राज्य में गर्मियों में सबसे ठंडा स्थान सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है। माउंट आबू राजस्थान का गर्मियों में सबसे ठंडा स्थान है और इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले में होता है, तो ये होता है जैसलमेर जिले में। दैनिक तापांतर यानी दिन में तापमान काफ़ी ज़्यादा बदलना, तापमान में अंतर आना, ये कहाँ पर होता है, ये जैसलमेर के अंदर होता है। कब? गर्मियों के दिनों में। आगे है राज्य में गर्मियों में सबसे ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ हैं ये गंगानगर के अंदर चलती है। धूल भरी आंधियाँ राजस्थान में कहाँ चलती है, तो श्री गंगानगर जिले में। राज्य में विशेषकर पश्चिमी रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो गर्म हवाएं जो राजस्थान में चलती है, धूल भरी आंधियां, गर्म हवाएं, उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और दोस्तों राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे बवंडर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं। तो काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे बवंडर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं बबूलिया।
अब आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं या कुछ और नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली के हिसाब से इसको अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ लोग इसको भूतिया, कुछ लोग बहुड़िया ऐसे भी कहते हैं, तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है, गर्मियों में राज्य में अरब सागर में चक्रवात के कारण तेज हवाओं के साथ चक्रवाती वर्षा होती है। तो अरब सागर में जब चक्रवात होता है तो अपने राज्य में यानी राजस्थान में भी चक्रवाती वर्षा होती है। इसके बाद है, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में गर्मियों में निम्न वायु दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर गर्मियों के दिनों में जो निम्न वायु दाब है इसकी स्थिति बनती है। इसके बाद है, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी शाखा में प्रवेश करता है। तो राजस्थान की जो दक्षिण पश्चिमी शाखा है, क्षेत्र है, वहाँ मानसून सर्वप्रथम इंटर करता है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम और अनियमित वर्षा होती है। अरावली जो पर्वतमाला है ये मानसून के समांतर रहती है, इसी वजह से राजस्थान के अंदर अनियमित वर्षा होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। और इसके बाद है, राज्य का सबसे आर्द्र जिला है ये कौन सा है? झालावाड़ है। झालावाड़ में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो ये सबसे आर्द्र जिला है। जबकि राज्य का सबसे आर्द्र स्थल अगर बात करें तो सिरोही जिले का माउंट आबू जो स्थल है ये सबसे अधिक आर्द्र है। स्थल अलग है, जिला अलग है। जिला पूछा जाए तो झालावाड़ बताना है, आर्द्र स्थल पूछा जाए तो माउंट आबू इसके अंदर होगा। जबकि सबसे शुष्क जिला है ये आपका है जैसलमेर। सबसे अधिक शुष्क, सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत अगर बात करें तो 58 सेंटीमीटर से लेकर या 57.51 सेंटीमीटर रहता है। तो 58 सेंटीमीटर के आसपास राजस्थान की औसत वर्षा रहती है, पूरे राजस्थान की बात करें तो। पश्चिमी राजस्थान में औसत वर्षा 313 मिलीमीटर है और पूर्वी राजस्थान में औसत वर्षा 675 मिलीमीटर रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जो वर्षा है ये कितनी विषम तरीके से होती है, 313 और 375 कितना इसमें डिफरेंस रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के कारण होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में वर्षा किस वजह से होती है। ऑप्शन में आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसून के कारण। अगला है, राजस्थान में लगभग 90% वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान राजस्थान में 90% तक वर्षा होती है। तो दोस्तों ये था वीडियो, पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।